हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी टाइमलाइन के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी अपडेट के बारे में। तो फाइनली फ्लैश की मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसकी फर्स्ट इमेज हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो काफी बड़े मेंशन के सामने इसकी शूटिंग चल रही है। और इसी के साथ सेकंड अपडेट है ब्लैक सुपरमैन से रिलेटेड। तो फाइनली वॉर्नर वर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक सुपरमैन के ऊपर वो मूवी बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है इसमें कि ये डीसीयू का पार्ट नहीं होगा और एक रिबूट वर्जन होगा जिसमें कि हमें ब्लैक सुपरमैन देखने को मिलेगा। राइटर ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, बस डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं किसको कौन डायरेक्ट करेगा, वो भी एक ब्लैक डायरेक्टर। उसी के साथ अगला अपडेट है मार्वल से रिलेटेड। तो एंड्रू गारफील्ड ने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि उनको सोनी और मार्वल की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है कि वो स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे या नहीं। जी हाँ, उन्होंने क्लियर ही मना कर दिया। और अगला अपडेट है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी से रिलेटेड। तो फाइनली इस मूवी में ग्रीन लैंटर्न को भी ऐड करा जाना था पर किसी कारण चक्कर कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा क्यों करा अभी तक इसका रीजन पता नहीं चला है, पर उन्होंने इसका एक बिहाइंड द सीन रिवील कर दिया। उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का, जो कि है थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते हो थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग इस मंथ कंफर्म हो जाएगी। जी हाँ, शूटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगला अपडेट है वांडा विजन से रिलेटेड। तो वांडा विजन में डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐड करा जाना था पर नहीं ऐड करा, क्योंकि पूरा फोकस वांडा विजन पे करना था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐड नहीं करा। और साथ ही साथ अब बात करते हैं मार्वल फेज 4 की टाइमलाइन के अपडेट के बारे में, जो कि सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। जी हाँ, तो थॉर लव थंडर जिसमें कि हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और ये गार्डियन सीरीज का पहला पार्ट होगा एक तरीके से, जिसमें कि हमें टाइमलाइन समझ में आएगी। और इसमें क्रिस्टन बेल एज अ एक विलेन के तौर पे देखने को मिलेंगे गॉड द बूचर कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। उसके साथ हमें कंटिन्यूस गार्डियंस के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की टीवी सीरीज गार्डियन द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जो कि क्रिसमस के दिन रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएगी 25 दिसंबर को, जब क्रिसमस होता है। और इसमें हमें गार्डियंस के कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे। मिनी शॉर्ट फिल्म टाइप की हो सकती है या एक सीरीज हो सकती है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही कमाल का होने वाला है जिसमें हमें गार्डियंस के कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे। फिर कंटिन्यूस करेगी ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जिसमें कि ये सारे कैरेक्टर हमें वॉल्यूम 3 में एक फुल मूवी एक्शन पैक में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और तो और जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज का लास्ट पार्ट होगा और जिसमें हमें बॉलीवुड सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसी के साथ अगली सीरीज होगी आई एम ग्रूट। इसका कोई संबंध नहीं है यूनिवर्स से। जी हाँ, ये एक मिनी शॉर्ट फिल्म टीवी सीरीज होगी जिसमें कि हमें ग्रूट का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और देन साथ ही साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, तो फाइनली ब्लेड की अगली ईयर से शूटिंग स्टार्ट होगी जुलाई के महीने से। जी हाँ, कन्फर्म हो गया है। और ये मूवी एक्सपर्ट रिलीज होगी साल 2023 में या 24 में। अब बात करते हैं ओटीटी अपडेट के बारे में। तो हम भी अकेले तुम भी अकेले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑफिशियली रिलीज होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही कमाल का यूनिक कॉन्सेप्ट मूवी है। स्काई फायर लॉन्गेस्ट प्ले पर फाइनली हिंदी तमिल तेलुगू में आ चुकी है। अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, वरना ऑनलाइन डाउनलोड करके देख लीजिए। उसी के साथ अगला अपडेट है डीसी से रिलेटेड। तो जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है बुक माई शो पर। कुछ पैसे रेंट देकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। और देन मार्वल के इस 6 महीने में थर्ड नंबर की जो सीरीज है मोडॉक 21 मई को हुलू पे रिलीज होने वाली ऑफिशियली। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।